आप किन जगहों पर चुनौतियां देख रहे हैं और सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं? नहीं देखिए, एक्चुअली पहले में और अब में जो वैक्सीनेशन ड्राइव था काफ़ी डिफरेंस आया है, स्पेशली ये जो सेकेंड वेव आया है सुनामी के रूप में। पहले ये फैक्ट है कि हम लोग बहुत कोशिश किए थे, 60-70% टारगेट अचीव करने के लिए भी हमें बहुत काम करना पड़ता था, पर यस इस टाइम मुझे लग रहा है कि ये आप 60-70 छोड़िए, ये टारगेट जो भी रखेंगे वो अचीव सेम डे होते जाएगा, कि हर डे इतना करना है वो 100% टारगेट अचीव होगा। तो प्रॉब्लम यह है कि सप्लाई, वैक्सीन सप्लाई बिल्कुल होनी चाहिए और गवर्नमेंट को सेंटर बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, कई गुना बढ़ाने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और ओवर क्राउडिंग ना हो इसके हिसाब से। बल्कि गवर्नमेंट चाहे तो बहुत सारे कैंप इंडस्ट्री लेवल पर, स्कूल लेवल पर अलग अलग करके, और इस ढंग से ही हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो इस साल के अंत तक 18 साल से ऊपर लोगों का बहुत, इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब, इतना आसान नहीं होगा। मैं रामकृपाल जी आपसे भी समझना चाहता हूँ, इस समय जिस तरीके से तमाम फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ी जा रही है, सिस्टम भी तमाम फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इंश्योर करना है, वहाँ बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के बारे में देखना है, न जाने कितने सारे चैलेंजेस हैं। वैसे में एक चैलेंज ये भी कि सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए, इस फ्रंट पर आप क्या होते देख रहे हैं आगे? देखिए दिनेश जी, एक ऐसी आपदा है जिसका किसी ने ना देखा था ना सोचा था, कोई ये नहीं ये इस बात का आकलन कर सका था कि एक दिन में 3.5 लाख मतलब केस आ जाएंगे, ऐसा कुछ। तो देखिए ऐसा है कि इस समय जो भी है या आने वाला है 10-15 दिन महीने भर, ये पीक है। तो मेरा कहना यह है कि हौसला रखना चाहिए, और जैसा आपने कहा कि देखिए जिस देश की 80% आबादी 18 से ऊपर है, यानी 80% पॉपुलेशन, और हिंदुस्तान की जो हमारी आबादी है, अगर आप पूरे यूरोप को जोड़ लें, उसमें अमेरिका को भी मिला लें और इंडोनेशिया को भी मिला लें, तो हम इसके बराबर होते हैं। हमें जमीनी सच्चाई को भी समझना चाहिए। देखिए कोई भी चीज अचानक सारी चीजों में शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन यह तय है कि यह धीरे 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 जब इसका ग्राफ भी नीचे जाएगा, वैक्सीनेशन शुरू होगा, वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आएगी, जैसा कि कोई भी कैपेसिटी दुनिया की इतनी नहीं कर सकती कि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की 80% ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपका हौसला देता है सर, आपने और डॉक्टर अरुण, इनफैक्ट यहाँ जो पैनल में मौजूद आप तमाम लोग हैं, सब कह रहे हैं कि टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे सामान्य होंगी चीजें, इसलिए लोगों से ये अपील है कि हौसला भी बनाए रखें और सहयोग भी करें सिस्टम के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।